जमातियों को पनाह देने वालों की आई सामा ढूंढ ढूंढ कर जमातियों के मददगारों पर दर्ज किए जा रहे हैं मुकदमे। महामारी एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। थाना सदर में 6 लोगों पर और रकाबगंज में 1 परिवार पर दर्ज हुआ मुकदमा। वही सीओ सदर के अनुसार अन्य लोगों को भी ढूंढा जा रहा है। आपको बता दें कि जो भी लोगों की जान से करेगा खिलवाड़ उस पर होगी कार्रवाई। आगरा से ब्रिज किशोर शर्मा की रिपोर्ट। तबलीगी जमात से कुछ लौटे लोगों के अपने घर में रखने के खिलाफ तो किसी व्यक्ति के खिलाफ या कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो क्या पूरा मामला था? देखिए, एक व्यक्ति वहाँ दिल्ली में शामिल हुआ था जमात में, वो वापस आया था 28/29 की रात को, जो रोहता में रुका और उसने ना फिर बिना बताए ही वो वापस वहाँ से चला गया। उसका एक साथी वहाँ पर धौलपुर में पॉजिटिव पाया गया। जब हम लोगों ने जांच की तो अभी 15 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं जो इसमें क्वारंटाइन में रखे गए हैं और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सर, क्या कुछ और लोग भी चिन्हित किए गए हैं जिनके खिलाफ और मुकदमे करने हो? तमाम शहर में ऐसी जगहों पर लोगों ने जमातियों को अपने घर में और मस्जिद आदि जगहों में चिन्हित किया है। देखिए, जहाँ जहाँ ये सूचना मिली है कि ये जानबूझकर इन्होंने ऐसा अपराध किया है, जैसे रकाबगंज में भी एक अभियोग आज पंजीकृत करने के लिए कहा गया है कि जहाँ पे उन्होंने रोक रखा था और रोकने के बाद जब पुलिस ने तलाश की तो उनको भगा दिया, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।